सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा के पुराने वोटरों को फिर से वापस लाने के प्रयास में जुटी हैं। नगर निगम के चुनाव में दलित मुस्लिम एकजुट होकर वोट करे, इसके लिए शाइस्ता परवीन तमाम इलाकों में घूम घूम कर लोगों को मायावती की नीतियां और काम की शैली बता रही हैं। राजापुर इलाके में आज शाइस्ता परवीन और बसपा के कई नेताओं ने दौरा करके मेयर के चुनाव के लिए वोट मांगा। इस दौरान QTV इंडिया से शाइस्ता परवीन ने खुलकर कई सारे सवालों का जवाब दिया। किस तरह से आप प्रचार कर रही हैं और कैसे लोगों को समझा रही हैं? प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, बहुत अभी कई जगह कर चुके हैं, बरेठा, पमरौली, मुंडेरा मंडी और ये भागलपुर, ये सारे जगह से कर चुके हैं। वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला है। आज ये राजापुर में भी बहुत लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, आप देख ही रहे होंगे ये लड़कों का हुजूम, ये भीड़। तो बस ऐसे ही हम लोगों का कार्य चलता रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि पहले आप AIM में थी, फिर आपने ही मुस्लिम और दलित गठजोड़ की बात शुरू की थी, उसके बाद आप BSP में आ गई, तो पब्लिक को किस तरह से मना रही हैं कि मेयर के चुनाव में किस तरह से वोट करें और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? इसमें विकास के मुद्दे रहेंगे और कई मुद्दे रहेंगे जो भी है, देख रहे हैं हम, घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कैसे गंदगी और जहाँ जहाँ सारी चीजें हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं, यही मुद्दे हमारे रहेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आप लोकसभा चुनाव में सांसद जी के प्रचार कर चुकी है, कई चुनाव और आपने देखा है, तो क्या फर्क लग रहा है कुछ इस बार के चुनाव में और पिछली बार के जो आप प्रचार पर निकली थी? कोई फर्क नहीं लग रहा है, वैसे ही प्यार मोहब्बत मिल रहा है, जैसे लोगों में जोश है, लोगों में वैसे ही जोश और वैसे ही प्यार है, लोगों में जैसे पहले मिला करता था वैसे आज भी मिल रहा है। तो BJP एक तरह से हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बार बार छेड़ रही है और हिंदू को एक करती है, तो ऐसे में कितना सर्वाइव कर पाएंगे आप BSP से? उसका तो काम ही होता है हिंदू मुस्लिम कैडर का खेलना, और ये हमारी कोशिश है, बहन जी हमारी यही कोशिश में है कि हम दलित और मुसलमान को एक कर दें। जैसे काशीराम का नारा था कि दलित मुसलमान एक हो जाओ, कब तक सहोगे अत्याचार, हम लोग इसी को लेकर चल रहे हैं और ये नारा उनका नारा था, तो यही नारा लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, सांसद जी की छवि को लेकर विपक्ष जो है बराबर उठा रहा है मुद्दा और योगी सरकार अपनी कार्रवाई को भी लगातार बुना रही है, तो कैसे आप देखती हैं इस पूरी चीजों को? नहीं, ये तो इलेक्शन की ये राजनीति, उससे उनको छवि उनकी बदनाम की जाती है, नहीं पब्लिक बता देती है कि ये सांसद अतीक अहमद कैसे हैं और वो कैसे नेता हैं, वो बता देती है कि वो दलित और मुसलमान गरीब के पर बहुत हमदर्द हैं और बहुत चाहने वाले हैं।